हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर का वाकिया है। एक शख़्स ने दूसरे शख़्स से ज़मीन ख़रीदी। कुछ अरसे बाद ज़मीन में खेती बाड़ी का प्रोग्राम बनाया और जब ज़मीन में हल चलाया तो वहाँ से एक बहुत कीमती ख़जाना बरामद हुआ। इस शख़्स ने सोचा कि इस ख़जाने पर मेरा हक तो नहीं है, क्योंकि मैंने तो ज़मीन की कीमत अदा की है ख़जाने की नहीं। चुनांचे वो इस शख़्स के पास चला गया जिसे ज़मीन ख़रीदी थी और इसे सारा माजरा बताया और इससे कहा कि इस ख़जाने पर तुम्हारा हक है, चलो मेरे साथ और वो अपना ख़जाना ले लो। लेकिन इस शख़्स ने जिसने ज़मीन बेची थी इसे कहा कि तुमने ज़मीन की रकम अदा की तो वो ज़मीन तुम्हारी हो गई है, अब इसमें से मिट्टी निकले या ख़जाना वो तुम्हारा हक है। इस बात पर दोनों में तनाज़ा हो गया और दोनों काजी की अदालत में चले गए। हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अदालत में मुकदमा पेश हुआ और दोनों ने अपनी अपनी बात बयान की। हज़रत अबी काब ने दोनों को समझाया कि ख़ज़ाना आपस में तकसीम कर लो, लेकिन दोनों ने यही जवाब दिया कि इस पर हमारा हक नहीं है और अगर हमने ये ख़ज़ाना ले लिया तो आखिरत में अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे। इस पर मजबूर होकर काजी ने तजवीज़ दी कि तुम्हारी कोई औलाद है, एक की बेटी जवान थी और दूसरे का बेटा जवान था। इन दोनों को आखिरकार इस बात पर कायल कर लिया गया कि वो दोनों का निकाह कर दे और ये ख़ज़ाना दोनों को जहेज़ में दे दे। इस तजवीज़ पर दोनों रजामंद हो गए। अदालत में ही दोनों का निकाह किया गया और यूँ इस मुकदमे का फ़ैसला हो गया।